नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले के नवे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दौरे जदूल के छठे ग्रुप के पहले दो अनासर यानी ऑक्सीजन और सल्फ़र के बारे में बताएंगे। इन दोनों अनासर को छठे ग्रुप में रखने की बुनियादी वजह इनके एटमों के वेलेंस शेल्स में 6-6 इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी है। हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम खुराक के बग़ैर 3 से 5 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं और पानी के बग़ैर भी चंद दिन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हवा में ऑक्सीजन की कमी के बाइस हमारे लिए चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल है। 1774 में प्रेस्ले और शीले ने एक नई गैस दरियाफ़ की। लिवाइज़े के ख्याल के मुताबिक, जो बाद में गलत साबित हुआ, ये गैस तमाम तेज़ाबों में पाई जाती है, लिहाजा इसे ऑक्सीजन का नाम दिया गया, जिसके मानी हैं एसिड प्रोड्यूसर या तेज़ाब बनाने वाली। सल्फ़र की तारीख दरियाफ़ के बारे में सही तौर पर इल्म नहीं, ताहम तारीख़ी शवाहिद से पता चलता है कि कदीम यूनानी 1000 साल कबल मसीह इसे जरासीम कुछ दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 1787 में लिवाइज़े ही ने इसे अंसर के तौर पर मुतारफ़ कराया। कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर ऑक्सीजन है। कुरे अर्ज़ का तकरीबन 49.5% वज़न ऑक्सीजन के एटमों की वजह से है। कुरे हवाई में बलहाज हजम 21% और बलहाज वज़न 88.88% ऑक्सीजन पाई जाती है। पौधों, जानवरों, चट्टानों और पानी में ऑक्सीजन मुख्तलिफ मुरक्कबात की शक्ल में मौजूद है। ऑक्सीजन के अहम मुरक्कबात में ऑक्साइड्स, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड या पानी वगैरह, ऑक्सी एसिड्स मसलन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, और ऑक्सी सॉल्ट्स मसलन पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह शामिल हैं। सांस लेने, चीज़ों के जलने और गलने सड़ने के अमल के दौरान ऑक्सीजन मुसलसल तौर पर इस्तेमाल होती रहती है। इससे ये तासुर मिलता है कि वक्त के साथ ऑक्सीजन की मकदार फिज़ा में कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पौधे ज़ियाई तालीफ के दौरान दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज्ब करते रहते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते रहते हैं। इस तरह फिज़ा में ऑक्सीजन का तवाज़ुन बिगड़ने नहीं पाता। नाज़रीन, आइए अब हम आपको ऑक्सीजन के बारे में तफसील से बताते हैं। ऑक्सीजन की अलामत कैपिटल ओ है। इसका एटमी नंबर 8, एटमी वज़न 15.994 AMU और कुमियती नंबर 16 है। ऑक्सीजन एटम के मरकज़ में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तश्कील या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 है। तजर्बागाह में ऑक्सीजन गैस आमतौर से 4 हिस्सा पोटेशियम क्लोरेट और 1 हिस्सा मैंगनीज डाइऑक्साइड अमल अंगेज को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने से हासिल की जाती है। चूंकि ये गैस पानी में बहुत कम हल होती है और इसकी कसाफत हवा की कसाफत के तकरीबन बराबर है, इसलिए इसे पानी के हटाव के अमल से गैस जार में जमा कर लेते हैं। सनती पैमाने पर ऑक्सीजन गैस तबई और कीमियाई दोनों तरीक़ों से हासिल की जाती है। तबई तरीक़े में आम हवा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के आबी महलोल से गुजारकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पाक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पाक हवा को 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और मनफी 200 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर ठंडा करने से माया हवा हासिल होती है। माया हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कसरी कशीद करने से मनफी 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर माया नाइट्रोजन गैसी नाइट्रोजन में आ जाती है और मज़ीद गर्म करने पर मनफी 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर माया ऑक्सीजन और गैसी ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है, जिसे आबी बुखारात वगैरह से पाक करके 100 एटमॉस्फेयर दबाव पर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। कीमियाई तरीक़े से ऑक्सीजन गैस दो तरह हासिल की जाती है। पहले तरीक़े में, जो पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की वजह से ज़्यादा मकबूल नहीं,
दरियाओं, समंदरों और नलकों वगैरह से हासिल करदा नमकियात मिले हुए नाखालिस पानी में से बिजली की रौ गुजारने से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में तहलील हो जाता है। दूसरे तरीके में बेरियम ऑक्साइड को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की मौजूदगी में गर्म करने से बेरियम परऑक्साइड बनता है, जिसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से खालिस बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हासिल होती है। आज़ाद ऑक्सीजन दो एटमी शक्ल में पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो एटमों पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों एटम बाहमी तौर पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। चूँकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के नस्बत कमज़ोर है, लिहाजा ऑक्सीजन बहुत तेज़ आमिल है और मुख्तलिफ धाती और गैर धाती अनासर के साथ मिलकर उनके मुरक्कबात बनाती है। हीलियम, नियोन यानी कि गैर आमिल गैसों के अलावा ऑक्सीजन तमाम धाती और गैर धाती अनासर के साथ मिलकर उनके मुतालिका ऑक्साइड्स बनाता है। तकसीदी नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पर ऑक्साइड्स की चार अकसाम हैं। नंबर एक नॉर्मल ऑक्साइड, नंबर दो पर ऑक्साइड, नंबर तीन सुपर ऑक्साइड, नंबर चार सब ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का तकसीदी नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर -2, पर ऑक्साइड्स में -1 और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड्स मज़ीद चार अकसाम में बटे होते हैं, मसलन असासी ऑक्साइड्स या बेसिक ऑक्साइड्स, तेजाबी ऑक्साइड्स या एसिडिक ऑक्साइड्स, तादीली ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दो रुखे ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अजीज तलबा, आइए अब ऑक्सीजन के हवाले से दो अहम कीमियाई तामिलात यानी अम्ल तकसीद और अम्ल तख़फीफ़ का जायज़ा लेते हैं। ऑक्सीजन का किसी अंसर या मुरक्कब के साथ मिलाप ऑक्सीडेशन या अम्ल तकसीद कहलाता है, मिसाल के तौर पर लोहे का जंग लगना। इस अमल के दौरान लोहा ऑक्सीजन के साथ नमदार हवा की मौजूदगी में मिलकर जंग या आयरन ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मुरक्कब ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुरक्कब में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा किसी मुरक्कब से हाइड्रोजन के इखराज को भी ऑक्सीडेशन या अम्ल तकसीद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म करने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना हाइड्रोजन खारिज कर देता है। जदीद तारीफ के मुताबिक किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आयरन एटम दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके फेरस आयन Fe+2 में बदल जाता है और फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके फेरिक आयन Fe+3 में तब्दील हो जाता है। इसके बरक्स किसी मुरक्कब से ऑक्सीजन के इखराज या हाइड्रोजन के मिलाप को रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की रॉ में गर्म करने से क्यूप्रिक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है और यूं पानी में तब्दील हो जाता है। जदीद तारीफ के मुताबिक किसी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा रिडक्शन या तख़फीफ़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन जज्ब करके क्लोराइड आयन Cl-1 में तब्दील हो जाता है और क्यूप्रिक आयन Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन्स जज्ब करके कॉपर एटम Cu में बदल जाता है। आम तामिलात में तकसीद और तख़फीफ़ का अमल साथ साथ होता है। ऐसे तामिलात को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस या तकसीदी तख़फीफ़ी तामिलात कहा जाता है। इन तामिलात में दो मुरक्कबात या दो अनासर के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी तबादला होता है। नाज़रीन, आइए अब ऑक्सीजन से मुतालिक एक अहम मौजू
यानी ओजोन के बारे में मालूम करते हैं। ओजोन ऑक्सीजन की एक बहुरूपी शक्ल है। इसका मॉलिक्यूली फार्मूला O3 है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम पाए जाते हैं। ओजोन नीले रंग की चुभने वाली बूदार गैस है। ऑक्सीजन की निस्बत पानी में ज़्यादा हल होती है। फिज़ा में इसकी मकदार 0.02 से 0.07 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जो कि बुलंदी और मौसम के लिहाज से बदलती रहती है। 1839 में शॉन बिन ने यह बात मालूम की कि ऑक्सीजन गैस में से बरकी रौ गुजारने से ओजोन गैस बनती है। इसके अलावा कुरे हवाई की निचली सतह पर ओजोन गैस बिजली चमकने के अमल के दौरान पैदा होती है। सतह ज़मीन पर नामियाती मादों की तकसीस से भी ओजोन बनती है और काम करते हुए बरकी आलात के पास भी ओजोन गैस कलील मकदार में पाई जाती है। 1981 में ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे के तहत काम करने वाले साइंसदानों के इल्म में ये बात आई कि फिज़ा में ओजोन की मकदार वक्त के साथ कम होती जा रही है। इस बात पर संजीदगी से गौर किया गया और उन असबाब का पता लगाने के लिए काम शुरू हुआ जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनते हैं। अनथक मेहनत और शबाना और रोज़ तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, जो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद होती है, मीथेन गैस जो कुदरती गैस या सुई गैस का बुनियादी जुज है, और क्लोरोफ्लोरोएल्केन्स जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर फ्रेशनर्स और एरोसोल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ओजोन को नुकसान पहुंचाने का अहम सबब बनते हैं। ओजोन की फिज़ा में कुदरत से की मुकर्रर करदा मकदार से कमी या ज़्यादती कुछ अच्छे असरात मुरतब नहीं करती। मिसाल के तौर पर ओजोन की मकदार में ज़्यादती होने की बिना पर पौधों में ज़ियाई तालीफ का अमल बुरी तरह मुतासर होता है और पौधे वक्त से पहले खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा ओजोन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके बरक्स फ़िज़ा में ओजोन की मकदार में कमी की वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआएँ बआसानी ज़मीन पर आ जाती हैं। इसीलिए आज के दौर में दमा, सीने, फेफड़े और जल्दी कैंसर के अमराज में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ज़रूरी है कि फैक्ट्रियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की मकदार को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए जाएं और क्लोरोफ्लोरोएल्केन्स का इस्तेमाल रोज़मर्रा की अशिया में ना किया जाए। नाज़रीन, ओजोन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये ना ख्याल कर लीजिएगा कि ओजोन महज बेकार और नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। ऐसा हरगिज़ नहीं। इसके बरक्स ओजोन गैस ना सिर्फ अल्ट्रावायलेट और रेडियाई शुआओं के मुज़िर असरात से बचाती है, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी तकसीदी खासियत का फ़ायदा उठाते हुए आलात सर्जरी और पानी वगैरह को साफ करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके अलावा ओजोन गैस बतौर रंग कार्ड भी इस्तेमाल की जाती है। दौरे जदूल के छठे ग्रुप का दूसरा अंसर सल्फ़र है। ये जर्द रंग की ठोस भुरभुरी गैर धात है। सल्फ़र की अलामत कैपिटल S है। इसका एटमी नंबर 16, एटमी वज़न 32.064 AMU और कुमियती नंबर 32 है। सल्फर एटम के मरकज़ा में 16 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तश्कील या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है।
सल्फर आज़ाद और मुरक्कब दोनों हालतों में पाया जाने वाला आंसर है। क़श्र अर्ज़ में इसका तनासुब 0.64% है। आज़ाद सल्फर के ज़खायर अमरीकी रियासतों टेक्सस और लुजियाना, जापान, न्यूजीलैंड और जनूबी इटली में पाए जाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सल्फर के ज़खायर बलूचिस्तान में कल्लात और कोहे सुल्तान के मकाम पर मौजूद हैं। सल्फर के अहम मरकबात में सल्फाइड्स और सल्फेट्स शामिल हैं। मादनी कोयला में सल्फर धाती सल्फाइड्स और नामियाती मरकबात की शक्ल में पाया जाता है। इसके अलावा ग़िज़ाई अशिया मसलन गोश्त, लहसुन, प्याज और अंडा वगैरह में भी सल्फर मुख्तलिफ मरकबात की शक्ल में मौजूद होता है। आज़ाद सल्फर के ज़खायर 200 मीटर गहराई तक ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें अमरीकी इंजीनियर फ्राश के तरीक़े से हासिल कर लिया जाता है। इसके अलावा कुदरती गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का आमेजा है, को अमोनिया के आबी महलूल से गुजार कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अलहदा कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एल्यूमिना अमलंगेज़ की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर खालिस सल्फर हासिल होती है। नाजरीन, कार्बन, फास्फोरस और ऑक्सीजन की तरह सल्फर भी मुख्तलिफ बहरूपी अशकाल में पाई जाती है। सल्फर की अहम बहरूपी अशकाल चार हैं, यानी नंबर 1 मोनोक्लिनिक सल्फर या मंशूरी सल्फर, नंबर 2 मोयन नुमा सल्फर या रोम्बिक सल्फर, नंबर 3 प्लास्टिक सल्फर और नंबर 4 गैर कलमी सल्फर या एमोरफस सल्फर। सल्फर के चंद अहम फवायद यूँ हैं। सल्फर जरासीम कुश और कुरम कुश अद्विया के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मरकबात यानी सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, मुख्तलिफ अद्वियात, आतिशबाजी के सामान, धमाका खेज मवाद और माचिस वगैरह की सनत में भी इस्तेमाल की जाती है। सल्फर कागज़ और रबर बनाने की सनत में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सल्फर आम दर्जे हरारत और आम दबाव पर मुख्तलिफ धाती और गैर धाती अनासर के साथ अमल नहीं करती, ताहम ज़्यादा दर्जे हरारत पर धाती और गैर धाती अनासर के साथ मिलकर उनके मुरक्कबात बनाती है, जिन्हें सल्फाइड्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर गैर धाती अनासर यानी हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन वगैरह के साथ गैर धाती सल्फाइड्स बनते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन की सूरत में हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह धाती अनासर मसलन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह के साथ धाती सल्फाइड्स बनते हैं, जैसे कि सोडियम के साथ सोडियम सल्फाइड वगैरह। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कुदरती तरीक़ों से और मस्नूई तरीक़ों से हासिल की जाती है। कुदरती तरीक़ों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आतिशफिशा पहाड़ों से निकलने वाली गैसों और नामियाती मादों के गलने सड़ने के अमल में खारिज होने वाली गैसों में शामिल होती है। तजर्बागाह में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किप्स के तरीक़े से तैयार की जाती है। इस तरीके में आयरन सल्फाइड को हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाने पर आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बनते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ख़ास कुछ यूँ हैं। ये एक बेरंग गंदे अंडों जैसी बू वाली गैस है। नाजरीन, यहाँ ये बता देना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि गंदे अंडों से खारिज होने वाली गैस दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड ही होती है। पानी में काफ़ी हल पजीर है और हवा से भारी है। दो असासी तेजाब होने की वजह से पानी में डालने पर बायसल्फाइड आयन HS-1 और सल्फाइड आयन S-2 में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा असास मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कीमियाई तामुल करके नमक सोडियम सल्फाइड और पानी बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ताकतवर तख्फीफी आमिल होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में पानी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करती है, जबकि कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में और
ताकतवर तकसीदी आमिल मसलन नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में सल्फ़र बनाती है। सल्फ़र का दूसरा अहम गैसी मुरक्कब सल्फ़र डाइऑक्साइड है। यह गैस सल्फ़र के चश्मे के पानी में और आतिशफशां पहाड़ों से निकलने वाली गैसों में मौजूद होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड के फ़वाद कुछ यूँ हैं। तेजाबी खासियत रखने की वजह से मुख्तलिफ असासों मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर नमक और पानी बनाती है। इसके अलावा बतौर तख़फीफी आमिल और तकसीदी आमिल भी इस्तेमाल होती है। तख़फीफी आमिल के तौर पर ताकतवर तकसीदी आमिल मसलन पोटेशियम परमैंगनेट के रंगदार महलूल को बेरंग कर देती है और तख़फीफी आमिल की हैसियत से तकसीदी आमिल यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फ़र में तब्दील कर देती है। तख़फीफी खासियत की बिना पर सल्फ़र डाइऑक्साइड रंग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट के मुरक्कबात बनाने में काम आती है। सर्द खानों में ठंडक पैदा करने और जूस और ग़िज़ाई अशिया को महफूज करने में भी सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, सल्फ़र का सबसे अहम मुरक्कब सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका फार्मूला H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में सल्फ़र का तकसीदी नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर मस्बत 6 है। कहा जाता है कि किसी मुल्क की सनती तरक्की का इन्हिसार सल्फ्यूरिक एसिड की सालाना पैदावार पर है। इसकी वजह सल्फ्यूरिक एसिड का हर सनत में किसी न किसी सूरत इस्तेमाल किया जाना है। सनती पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीक़ों से हासिल किया जाता है। नंबर एक, तमासी तरीक़ा या कॉन्टेक्ट प्रोसेस। नंबर दो, लेड चेम्बर प्रोसेस। हमारे मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सल्फ्यूरिक एसिड तमासी तरीक़ा ही से हासिल की जाती है। इस तरीक़े में खालिस सल्फ़र या धाती सल्फाइड्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा गर्म करने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है, जिसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत और प्लैटिनम या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड अमल अंगेज की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनती है, जिसे पहले से तैयार शुदा 97% मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड में जज्ब करके ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 बनाया जाता है। ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को पानी की मतलूबा मकदार में हल करके खालिस सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के कीमियाई खास कुछ इस तरह हैं। बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पर गर्म करने से सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस और पानी में तहलील हो जाता है। दो असासी तेजाब होने की वजह से पानी में डालने पर बाईसल्फेट आयन HSO4-1 और सल्फेट आयन SO4-2 में तब्दील हो जाता है। मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड के खास हल्के सल्फ्यूरिक एसिड से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड भारी धातु मसलन कॉपर और गैर धातु मसलन कार्बन के साथ कीमियाई अमल करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है, जबकि हल्का सल्फ्यूरिक एसिड हल्की धातु मसलन मैग्नीशियम और जिंक के साथ कीमियाई अमल करके हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। पानी के साथ ख़ास रगबत रखने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बतौर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर शक्कर पे मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड डालने से पानी निकल जाता है और स्याह रंग का कार्बन बाकी रह जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के चंद अहम फ़वाद कुछ यूँ हैं। मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात मसलन नाइट्रिक एसिड ईथर कीमियाई खादें यानी अमोनियम सल्फेट सुपरफॉस्फेट वगैरह बनाने में काम आता है। इसके अलावा खालें रंगने रंग रोगन बनाने धमाका खेज मवाद बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम में लाया जाता है। मोटर गाड़ियों की बैटरियों और आग बुझाने वाले आलात में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम ऑक्सीजन और सल्फ़र के बारे में। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ऑक्सीजन और सल्फ़र के मुख्तसर तारुफ के बाद उनकी दरियाफ़ जाए वक़ू
ऑक्सीजन और सल्फ़र और उनके अहम मुरक्कबात की तैयारी के तरीक़े, चंद अहम ख़ास और फ़वाद के बारे में बताया। इसके अलावा ओज़ोन के बारे में भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपको अपना कोर्स समझने में आसानी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।